ये बेसिक है इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एक ही कांसेप्ट में बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देन ओनली यू कैन गेट द क्लियरिटी सो देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हम यहां से स्टार्ट हो रही है बेटा इस ए पॉइंट से बॉडी स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और ये कंसीडर कर रहा हूं बेटा मैं ये ना राइट 3 मीटर देखो बेटा ये क्या है 3 मीटर A point to B और बेटा ये B to C point यहाँ तक रीच होने से मतलब ये 5 meter अब इस एग्जांपल में मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल आप देखो अब डायरेक्शन दिया मैं देख रहा हूँ बेटा डायरेक्शन दिया तो कम ऑन ये कौन सी डायरेक्शन है पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y एक्सिस और आपकी मर्जी आप ले सकते हो यहाँ डायरेक्शंस ये नॉर्थ ये क्या ले सकते हो साउथ ईस्ट वेस्ट आपकी मर्जी ओके कम ऑन बेटा राइट ए टू बी बी टू सी डिस्टेंस का कर दो ना डिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए कम ऑन अरे डिस्टेंस तो इजी ऐसे ही बता सकते हैं हाँ ऐड कर दो ना थ्री फाइव दैट इज इट बस सिंपल है अब डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए What is displacement? क्या है अपना definition? Shortest distance. Displacement equal to I am taking x equal to क्या होना चाहिए? तो come on diagram देखो. Shortest path select कीजिए. ये initial point, final point. दो point पहला concentrate कर दो. ये होगा बेटा shortest. हाँ. अब तुम्हें एक idea आना चाहिए. क्या है ये? कौन सा फार्मूला यूज करना है मैं x ये मान लीजिए बेटा x वैल्यू मुझे x वैल्यू कैलकुलेट करना है हाइपोटेनियस साइड साइड इमीडिएटली पाइथागोरस थ्योरम याद आया कि नहीं मैथमेटिक्स में बेटा ये राइट देयरफॉर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर पता है कि नहीं देखो मैं डिटेल में लिख रहा हूं ए बी सी है तो बेटा क्या लिखना चाहिए फार्मूला फर्क ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बेसिक कांसेप्ट है ज्योमेट्री ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहां बेटा ए सी इज इक्वल टू मैं x से बन गया x तो बता दो x स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ये कितना है बेटा 3 स्क्वायर प्लस ये वैल्यू 5 स्क्वायर तो आंसर इज ये 9 पता है ना 3 स्क्वायर 3 * 3 9 प्लस ये कितना बेटा ये क्या होना चाहिए 5 है ये 25 कितना 5 स्क्वायर तो आंसर क्या होगा बेटा x स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर दीजिए 34 दोनों ऐड कर दो 34 x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34 मीटर अब इसके स्क्वायर रूट नहीं है स्क्वायर रूट नहीं है कीप इट लाइक दिस रूट अंडर रूट ऑफ 30 रूट 36 से तो मैं 6 लिखता था यार रूट 36 से तो मैं 6 लिखता था ओके नोट इट ऑप्शन विल बी लाइक दिस ओके इस प्रकार के ऑप्शन जाते हैं रूट ऑफ 36 से तो 6 इट इज नियरली 5.8 ओके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है सो यहां तक आंसर लिख दीजिए ओके सो आपके लिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं यहां 4 मीटर ये 3 मीटर ये 4 मीटर ले लो अब सॉल्व कीजिए आंसर बता दीजिए सेम क्वेश्चन ये 3 मीटर है यहां पे 4 मीटर ले रहा हूं आंसर क्या होना चाहिए गेस कर दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता दो मुझे पहले डिस्टेंस तो ये 3 ये 4 समझ लीजिए ये 4 तो हो गया 7 डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चेंजेस क्या होना बेटा चेंजेस क्या होना चाहिए 3 स्क्वायर ये तो करेक्ट यहां 4 यहां 4 4 है तो 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 9 प्लस 16 25 25 अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 थोड़ा बैटरी चेंज कर दिया 20 अंडर रूट ऑफ 25 है तीन बार बात ये 5 समझा ना ओके और थोड़ा डेप्थ देखो मैं स्लोली एंटर हो रहा एकदम नीचे एग्जांपल लिया था बहुत थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा हूं क्लियर नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखो गाइस इफ A body completes one revolution or rotation
और रोटेशन अलोंग दी सर्कल ऑफ रेडियस, आप ये लिख लीजिए क्वेश्चन, ऑफ रेडियस आर, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आवर क्वेश्चन, फाइंड आउट करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके देखो बेटा, ये सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर रेडियस क्या बेटा, ये आर, रेडियस क्या है आर का। देखो ये भी आप ले सकते हो, यहां से आकर बेटा डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस आर, बराबर। अब देखो बेटा इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बॉडी, इस पॉइंट से, ये पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इससे बॉडी मूव हो रही है, मूव, वन रोटेशन, वन रोटेशन कंप्लीट, वन रोटेशन मूव। सर फिर इस एग्जांपल पे क्या होना चाहिए, वन रिवॉल्यूशन। देखो बॉडी कहां स्टार्ट हो रही है और वहां रीच हो रही है, देखो सेम पॉइंट, इस पॉइंट से बॉडी स्टार्ट हो रही है और वन रोटेशन के बाद सेम वही पॉइंट रीच हो रही है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड, पता है बेसिक में पढ़ाया था बेटा। If the initial and final points are coincide, then displacement is zero, no distance, displacement. ये तो confirm, confirm. कहाँ से start होगे बेटा और वहाँ reach होगे तो displacement value zero लिखना चाहिए। Sir, what about distance? Distance means actual path, actual path. चलो बेटा, come on. क्या होना चाहिए? मैं यहाँ तो पहले लिख दे रहा हूँ, जो बता रहा है पहले लिख दीजिए। Displacement value क्या होना चाहिए? Displacement value zero. क्यों zero? क्योंकि initial final point एक ही जगह है। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अरे डिस्टेंस कौन बता दे, कम ऑन गेस करो, गेस करो, कम ऑन, डिस्टेंस क्या होना चाहिए? हां तीन आया कि नहीं आया? अरे बेटा एक्चुअल पाथ, ये इसे एक्चुअल पाथ, ये क्या है? ये सर्कमफेरेंस है, ये क्या है? सर्कमफेरेंस, एंड यू नो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अरे 7th क्लास में पढ़ा है, पता है आपको? हां कम ऑन, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इट्स नथिंग बट 2 पाई, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट व्हाट हियर 2 पाई r, सेमी सर्कल है तो पाई r, क्वार्टर सर्कल है तो पाई r, क्लियर? ओके नाउ इसी क्वेश्चन पे थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूं, और एक्सटेंड कर रहा हूं, दैट इज एग्जांपल, इफ बॉडी फॉलोज द सेमीसर्कल, फॉलो द सेमीसर्कल, सच क्या होना चाहिए? सेम रेडियस होनी चाहिए, सेम। ओके देखो बेटा ये सर्कल सेंटर, ये रेडियस आर, रेडियस आर, सेमीसर्कल मींस देखो सेमीसर्कल मींस ये होगा इनिशियल पॉइंट, यहां से स्टार्ट हो रही है बॉडी, यस मूविंग, फाइनल पॉइंट ये होना चाहिए सेमीसर्कल, सेमीसर्कल, ओके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो कम ऑन, कम ऑन, डिस्टेंस बता रहा हूं, एक्चुअल पाथ, दिस इज एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, अरे बता दो बेटा डिस्टेंस, अरे सेमी सर्कल टोटल 2 पाई r, हाफ नथिंग बट पाई r, 2 पाई r बाय 2, 2 पाई r बाय 2 क्या लिखना चाहिए? पाई r सिंपल। ओके सर व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, कम ऑन, come on guess kijiye displacement value, ha displacement kya displacement shortest path shortest distance, are ye beta ye de de direction isko direction hona chahiye, ye displacement a to b displacement state, to answer displacement are r plus r, kitna beta twice r, twice r, it is nothing but diameter, क्या ये डायमीटर। ओके नाउ और ऐसा तो एकदम क्लैरिटी से आइडिया आना चाहिए, राइट? इफ बॉडी कंप्लीट्स, द बॉडी कंप्लीट्स क्वार्टर सर्कल, द बॉडी कंप्लीट क्वार्टर सर्कल, सर जब क्या होना चाहिए? क्वार्टर सर्कल मींस हाँ दे सकता, अब ये इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट ही है, ये क्या है बेटा फाइनल पॉइंट, ऐसे ही बोली ये इस डायरेक्शन में बोली, ये टू बी,
एच एल एंड एन फाइव रेडियस कितना होता है रेडियस आर रेडियस आर ले लीजिए रेडियस तो कम ऑन ये चलिए एक्चुअल पाथ ये हां डिस्टेंस अरे अभी तो बताया था बेटा डिस्टेंस टोटल 2 पाई आर सेमी सर्कल पाई आर क्वार्टर है तो पाई आर है डिस्टेंस ये 1/4 है बेटा अरे नहीं तो समझा नहीं तो 1/4 का 2 पाई आर ऐसे लिख दो पाई आर क्यों समझा दे 2 पाई आर टोटल कितना 1/4 पोर्शन है तो क्या होगा बेटा ये 2 तो आंसर क्या होगा फिर पाई आर बाय 2 हो गया बस राइट सर व्हाट अबाउट दिस रिस्पेक्ट कम ऑन टाइम दे रहा हूं मैं आपको कम ऑन ट्राई कीजिए सॉल्व करो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए डायग्राम देते हैं डायग्राम देख के आप कम ऑन आंसर बता हां डिस्प्लेसमेंट मैं यहां लिख रहा हूं देखो यहां लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पहला डायग्राम में बेटा रिप्रेजेंट करो क्या कहां होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट 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 अरे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ये इनिशियली फाइनल पॉइंट कम ऑन यदि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ क्लियर ये क्या बेटा ये डिस्प्लेसमेंट मैं एक्स ले रहा हूं आगे और आप ले कर तो ये 90 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम कम ऑन x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा 2r स्क्वायर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर तो आंसर क्या होना चाहिए रूट 2r दैट इज योर आंसर ये होगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो मिनिमम डिस्टेंस क्लियर ओके समझा कि नहीं राइट और मैं दो तीन क्वेश्चन में देने वाला हूं बेटा आप सॉल्व करके देख लीजिए ओके राइट Now, हाँ कुछ नोट आउट करना है तो कर दीजिए ओके सो अब यहां बेटा जो क्वेश्चन देने वाला हो ओके अब कुछ सॉल्व कीजिए दैट इज एग्जांपल इफ योर बॉडी कंप्लीट्स The body completes 5/2 rotations. Then find void distance and displacement. Find distance and displacement. Come on, try it, beta. Come on, 5/2 rotations. Come on, distance or displacement value calculate करना है. Come on, try it. हाँ, अपने time दे रहा हूँ. Come on, देख it. 5/4 2 है बेटा. 5/2 means 2.5 means 2 rotation and half rotation. 2 rotation right? कितना बेटा? Half rotation. Okay. 2 rotation right? हाफ रोटेशन तो बता दो हो गया ना अरे 1 मिनट में ही सॉल्व करना चाहिए ओके राइट देखो हां सर पहला डायग्राम समझ लो बेटा कितने रोटेशन हो गया सर रेडियस आर ये रेडियस आर ठीक पहले तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने देखो 5/2 मीनिंग अरे 5/2 मींस क्या बेटा ये 2.5 इज 2 रोटेशंस कंप्लीटेड 0.5 इज आई हाफ रोटेशन समझा लीजिए ये बेटा इनिशियल पॉइंट इस पॉइंट से स्टार्ट ये देखो इस डायरेक्शन में बॉडी ऐसे मूव हो रही बेटा ये ऐसे मूव हो रही इस डायरेक्शन ये होगा 1 रोटेशन 2 रोटेशन 2.5 इज यहां से आ रहा है This is the final point. 2.25 is 2.25 is यहाँ से आता है बेटा. Two rotations यहाँ से आता करना चाहिए. 2.50 means 50 means इसे हम यहाँ से आते हैं. 2.75 यहाँ से आता करना चाहिए. This is the one rotation. So
ओके नाउ देखो बेटा, अरे बता दो बेटा डिस्टेंस वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्चुअल बात डिस्टेंस। हाँ और सिंपल में बताओ, जो नंबर ऑफ रोटेशन से वो नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई कर दो 5/2 × 2 पे बस। अरे वन रोटेशन के लिए 2 पे, वन रोटेशन के लिए 2 पे 5/2 मल्टीप्लाई कर दो 5/2 वन रोटेशन 2 पाई आर, 2 रोटेशन 2 × 2 पाई आर 4 पाई आर, 3 रोटेशन 3 × 2 पाई आर 6 पाई आर, n रोटेशन n into 2 पाई आर। अरे ये 5/2 तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर, तो आंसर क्या बनता है, यस गेट्स कैंसिल, तो आंसर इज 5 पाई आर, सिंपल 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो। सर करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अरे ये डिस्प्ले आप ये इंचले माने वाला थे, ये आर आर, ये आर ये डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट ट्वाइस आर, क्या बेटा ये डायमीटर इस नथिंग बट डायमीटर हो गया क्लियर। तो पढ़ा पढ़ा सॉल्व करो, अरे क्वेश्चन कम ऑन, इफ आप सॉल्व कर दीजिए, इफ body completes 9/4 rotations, 9/4 rotations, come on, वही question, find distance and distance, come on, do it, फटाफट। distance तो easy है, distance तो simple है, direct multiply कर दो 2 का answer, तो displacement थोड़ा सोचिए क्या होना चाहिए, try करें ना। ओके आंसर, बस इतने टाइम में होना चाहिए आंसर विद इन 1 मिनट, राइट। हां रेडियस आर, नंबर ऑफ रोटेशन देखो बेटा पहला 9/4 इस नतीजे पर आंसर कीजिए 2.25 बराबर 2/25 2/5 इज क्वार्टर रोटेशन, ये पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट बॉडी से मूव हो रही है, वन रोटेशन 2 rotation 2.25 2.25 यहां से 2.25 डोंट से 25 पॉइंट के बाद रेट 25 होना चाहिए, हां इट इज यहां से ये होगा फाइनल पॉइंट, ये होगा फाइनल पॉइंट 0.25 0.50 0.75 ये वाला बराबर। तो बता दीजिए कम ऑन डिस्टेंस वैल्यू, डिस्टेंस वैल्यू, डिस्टेंस वैल्यू इज डिस्टेंस, डिस्टेंस टेक्निक पढ़ाया था कैसे 9/4 इनटू क्या करना चाहिए 2 का से मल्टीप्लाई कर दो 2 तो कितना बेटा ये 9/2 पाई आर हो गया, सो देखो आप लिख सकते हो 4.5 नोट ओके नाइन। डिस्प्लेसमेंट, displacement, come on displacement क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ से अंदर, अरे बेटा shortest अभी तो पढ़ाया था वही, अभी तो पढ़ाया था, okay ये r, ये भी r, ये x, come on displacement x is equal to क्या होना चाहिए, how much that is बता कर x square equal to r square plus r square, ये कितना बेटा 2 r square, तो x is equal to क्या होना चाहिए root 2 r, this is your answer clear okay, ये क्या बेटा ये displacement value right now right on, another question, question लिखो, question लिख दीजिए, हाँ next example, अब थोड़ा change कर रहा हूँ मैं यहाँ circle में स्क्वायर ले लो, इफ ये बॉडी कंप्लीट्स, ये बॉडी कंप्लीट्स 1 रोटेशन, 1 रोटेशन अलोंग स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, ऑफ साइड लेंथ 4 मीटर,
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कम ऑन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। नाउ ये बेटा स्क्वायर स्क्वायर साइड लेंथ कितना 4 मीटर यस 4 मीटर 4 मीटर ले लीजिए। बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है, अरे कौन सा एक पॉइंट मान लो ये 1 इंच है पॉइंट जी। बॉडी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कम ऑन ऐसे घूम रही है वन रोटेशन। ये 4 मीटर ये भी 4 मीटर है स्क्वायर है तो बता ऑल साइड्स आर इक्वल बराबर ऐसे घूम रही बेटा ऐसे घूम रही यहां तक रीच वन टू कहां से स्टार्ट हुई और वहां रीच हो गए तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग एंड द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम कोइंसाइड देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए इमीडिएटली अभी पढ़ा था गरम गरम ओके नहीं कम ऑन डिस्प्लेसमेंट अरे दोनों कोइंसाइड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यस जीरो अरे डिस्टेंस तो कोई बता दे डिस्टेंस तो डायरेक्ट है डिस्टेंस 4 4 4 4 ऐड कर दो कितना बेटा अरे 4 4 4 4 क्या होना चाहिए दैट्स 4 इनटू 4 लिख रहा हूं 16 4 4 टाइम्स है नहीं तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस यू कैन राइट ओके इट्स नथिंग बट पेरिमीटर 4a ये साइड 4a पेरिमीटर ऑफ द पॉइंट्स रेक्टेंगल है तो पेरिमीटर लेंथ ब्रेथ 2 इनटू l प्लस 2 इनटू l प्लस 2 l प्लस 2 पेरिमीटर आपको बताया 7th क्लास में राइट तो क्या बेटा आंसर 16 मीटर्स क्लियर यही स्क्वायर का क्वेश्चन राइट थोड़ा चेंज कर रहा हूं आपके लिए आप आंसर बना दीजिए आप आंसर बना दीजिए कम ऑन इट इज फॉर यू इट इज फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन है राइट ए बॉडी कंप्लीट्स बॉडी कंप्लीट्स ओके आई एम टेकिंग हियर 9/2 रोटेशंस अलोंग स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ओके 6 मीटर चलो कम ऑन सॉल्व कीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए डू इट कम ऑन 1 मिनट टाइम दे रहा हूं राइट साइड लेंथ बेटा 6 मीटर साइड लेंथ इज 6 मीटर ठीक है और 9/2 रोटेशंस है ना तो फाइंड आउट करना मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ओके कम ऑन फास्ट हो गया देखो यहां पर आओ देखो इस डायरेक्शन में देखिए ओके राइट यहां देखो हां क्या होना बेटा आंसर राइट 9/2 स्क्वायर स्क्वायर क्या ये 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर नंबर ऑफ रोटेशन कितने बेटा 9/2 9/2 मींस 9/2 नंबर ऑफ रोटेशन नथिंग बट 4.5 नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस ओके दैट इज इक्वल टू 9/2 एंड दैट इज नथिंग बट 4.5 सर 4.5 मींस देखो यहां से स्टार्ट हो गई बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट कितने रोटेशन लेगा 4 रोटेशंस 4 रोटेशंस 1 2 3 4 5 इज स्क्वायर एंड हाफ यहां से आते हैं 4.5 4 रोटेशन के बाद बेटा यहां रीच हो गई ये फाइनल पॉइंट क्लियर तो मुझे डिस्टेंस का पता अरे पर 1 रोटेशन के लिए कितना आगे होगा फॉर 1 रोटेशन के लिए 1 रोटेशन के लिए डिस्टेंस अरे बेटा क्या लिखना चाहिए था आप 6 + 6 + 6 + 6 नहीं तो 4 × 6 6 + 6 + 6 नहीं तो क्या लिखना चाहिए हां 4 × 6 कितना बेटा ये 24 ये वन रोटेशन के लिए देन फोर 9/2 रोटेशन के लिए
फॉर 9 बाय 2 रोटेशन, 9 बाय 2 रोटेशन क्या आ रहा है, 9 बाय 2 इनटू व्हाट हियर 24, समझा कि नहीं। वन रोटेशन के लिए कितना बेटा आप 9 बाय 2 दूसरे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया इस बार 12। तो आंसर इज, आंसर इज हां 108 मीटर, तो मीटर ले लीजिए बराबर 12 into 9। क्लियर बेटा? डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक देखो, हो गया ये आगे है 45 45 0। कम ऑन एक्स, बता दो इमीडिएट आंसर एक्स। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट हियर एक्स। तो बेटा आंसर बता दो सर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कम ऑन ऐड कर दो 2 इनटू 6 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इनटू 6 स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट हियर यू कैन राइट हियर 6 रूट 2, अरे बेटा डायरेक्ट आप ये 36 प्लस 36 ऐड कर दो, वी कैन गेट अ रिजल्ट कर दीजिए, नहीं तो भाई सिंपल ही स्क्वायर है ना, तो रूट कैंसिल कर दीजिए, मैं स्क्वायर में रख दिया कैंसिल कर लो, क्लियर? ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक यू गॉट, यू आर गेटिंग आइडिया अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एक एक बॉडी completes, a body completes one rotation along the rectangle, along the rectangle, then find distance and displacement, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ओके डिस्प्लेसमेंट, तो भाई बेटा यहां लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दे रहा हूं, लेंथ इज इक्वल टू आई एम टेकिंग 3 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर, दिस इज गिवन। तो देखो बेटा ये रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल? अब समझ लो बेटा यहां लेंथ की वैल्यू, हां लेंथ वैल्यू 3 मीटर और ब्रेथ वैल्यू व्हाट हियर 4 मीटर, ये काम कर दो, ये 4 मीटर ले लीजिए थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा कम ले लीजिए, ये ठीक है, ये 4 मीटर समझ लीजिए, ये 3 मीटर बराबर। तो कम ऑन बेटा, ये वन रोटेशन कंप्लीट किया बेटा, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बॉडी, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, कम ऑन, तो क्या होना बेटा यार, राइट ऐसे मूव करिए, वन रोटेशन कंप्लीटेड, सेम पॉइंट एंटर पॉइंट फाइनल पॉइंट्स आर पॉइंट्स, therefore displacement ये भी 4 मीटर, ये भी कितना बेटा 3 मीटर, displacement वाले बता दो, displacement same point 0, distance तो add करना है आपको 4 plus 3 plus 4 और ये 3, ये कितना बेटा 4 plus 3 और plus 4 plus 3 तो ये 7 और ये 7 14 मीटर, इट इज पर करेक्ट। इसी क्वेश्चन में मैंने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया था, जो हाफ रोटेशन यही तो एग्जांपल, इफ बॉडी कंप्लीट्स हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लिखा है, क्या होना बेटा 4 3 ये इनिशियल पॉइंट, ये बेटा फाइनल पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो ये तो बेटा होगा डिस्प्लेसमेंट, तो कम ऑन डिस्टेंस 4 + 3
7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट x मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 5, तो क्या हो रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। x स्क्वायर क्या है, 16 प्लस 9 कितना बना ये 25, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, तो आंसर इज क्लियर। अब मैं जीने वाला हूँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आते हैं बेटा। क्वेश्चन दिस इज द लास्ट एग्जांपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीधी क्वेश्चन। ओके देखो बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन चांस आने के लिए एग्जांपल देखो, एक व्हील है आपकी मर्जी, एक साइकिल भी ले लीजिए, कौन साइकिल ले लीजिए तो ठीक है, कितने दिन बाद राइट। ऐसे यहां मेरे पास ग्राउंड अटैच्ड, ग्राउंड अटैच्ड, यहां मैंने पार्टिकल समझ लीजिए, एक पी पार्टिकल ले रहा हूं, पी पार्टिकल ले रहा हूं, और व्हील का जो रेडियस है बेटा, रेडियस मैं आर ले रहा हूं, रेडियस की वैल्यू आर ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू मैं कंसीडर कर रहा हूं 1 मीटर, 1 मीटर सपोज। अब ये जो व्हील, ये जो व्हील इस डायरेक्शन में से मूव हो रही है, व्हेन व्हील कंप्लीट्स वही जगह उस जगह के बेटा ऐसे मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, पर व्हील कंप्लीट्स वन रोटेशन, वन रोटेशन वो यहां से यहां तक आए समझ, वन रोटेशन, वन रोटेशन पे अगर हाफ लेंगे तो बोलेंगे हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन मींस देखो यहां से ये पॉइंट कहां आना चाहिए, ये हाफ रोटेशन के बाद ये सिचुएशन है, समझ लो ये पॉइंट कहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए पॉइंट, अरे क्वार्टर है तो भी यहां जाते क्वार्टर, हाफ रोटेशन द पॉइंट मस्ट बी हियर, वन रोटेशन मींस अगेन रीचेस टू द सेम पॉइंट, समझा गया नहीं, हाफ रोटेशन से यहां से यहां तक आना चाहिए पॉइंट, वन रोटेशन वही पॉइंट है शुरू में, समझा ना, तो बेटा हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट इधर में यही बेटा, ये सेंटर है ठीक है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, आर इज इक्वल आर पता है आपको 1 मीटर, तो इस पॉइंट मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट यहां तक आया एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पर, तो कमांड डिस्टेंस तो सिंपल है बेटा, डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस कितना है बेटा, हाफ रोटेशन, डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस हाफ रोटेशन, अरे हाफ रोटेशन कर लो यहां से यहां तक बेटा, ये कितना ये टोटल, अरे बेटा ये पाई आर है हाफ रोटेशन के लिए, पाई आर हाफ रोटेशन के लिए यहां से कितना ये पाई आर, पाई आर दैट इज इक्वल टू पाई इनटू आर इज नथिंग बट 1 मीटर, तो आंसर इज पाई और 3.14 मीटर, पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 क्लियर। आप गेस कीजिए सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, दोबारा क्या देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, हां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ई एक्स, एक्स कम ऑन बताओ ई एक्स या पाई आर, या ये कितना मीटर ट्वाइस आ रही, ये आर या डायमीटर, डायमीटर ट्वाइस आ, तो अप्लाई करो फाइनल displacement, therefore displacement x लिया मैंने, x is equal to मुझे calculate करना है यहाँ, तो क्या बेटा x square is equal to क्या लिख सकते हैं pi r square, pi r square primary ये और ये plus क्या रहा है 2 r square, x square equal to pi square r square plus 4 r square, x square equal to
पाई स्क्वायर आर की वैल्यू कितना बेटा 1 आर वैल्यू इज 1 मीटर ये 4 into 1 स्क्वायर मींस 1 तो x स्क्वायर क्या होना बेटा पाई स्क्वायर प्लस 4 देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 दिस इज योर आंसर डिस्प्लेसमेंट क्लियर तो ये अल्टीमेट एक कंक्लूजन है बेटा ये इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन चल सकते हैं ओके सो नोट इट डाउन